और साथ ही साथ आपको बताएं कि पापूश नगर में जुनूबी शख्स के अहले खाना को यरखमाल बनाने और पुलिस पर फायरिंग का वाकया। पापूश नगर में जुनूनी शख्स के अहले खाना को यरखमाल बनाने और पुलिस पर फायरिंग का वाकया। मुलजिम की हलाकत से पहले की वीडियो मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में हलाक मुलजिम आरिफ गुल के हाथों में पिस्तौल देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज पेश आए वाकये का मुकदमा भी थाना पापूश नगर में दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजिम आरिफ गुल ने शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक अहले खाना को यरखमाल बनाए रखा। आपको बताएं कि मुलजिम आरिफ गुल ने अपनी बहनों, वालिद और कमसिन भांजे को घर में यरखमाल बनाए रखा था। मुकदमे के मतन में मजीद ये भी लिखा गया है कि मुलजिम आरिफ गुल ने रात 1 बजे पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी थी। आपको बताएं कि शदीद फायरिंग के तबादले में मुलजिम जख्मी हुआ और यरखमाल बने अफराद घर से बाहर आ गए, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि मुकदमा हलाक मुलजिम आरिफ गुल के चचा साद भाई की मुदयत में दर्ज किया गया है। मुलजिम का पिस्तौल और गोलियां फॉरेंसिक जांच के लिए लैब रवाना कर दी गई हैं।